आ रही है, हमने लिए मस्टर्ड आ रही है, यानी कि सरसों का ऑयल है, तो ये बहुत ही अच्छा सेहत के लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन होना ये प्योर चाहिए, असल सरसों का होना चाहिए। बाजार से तो 200 रुपये किलो मिलता है, जबकि हमने लिया है कोल्हू का 350 रुपये किलो, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला इस्तेमाल करें पकवान के लिए, दूसरा ये ज़ाया नहीं होता, कम खर्च होता है और अच्छा काम करता है, और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नज़र के लिए अच्छा, दिमाग के लिए अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो हमने ये डाल लिया ऑयल, तो हम इसको पहले अच्छी तरह गर्म करके पकाएंगे। ज़रा इसमें हम कुछ चीज़ डालेंगे, वो जब तक सही तरह भुनी ना जा चुके उस तक वक्त तक ये सही तरह पक नहीं जाएगा, तो हम इसमें कुछ चीज़ डालते हैं। जब वो सही तरह ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। हम छोटी सी रोटी इसके अंदर डालते हैं, जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर ये सही तरह पक चुका होगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे ये भी सही तरह ब्राउन नहीं हुई, जब तक ये सही तरह पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तो फिर तेल भी पक जाएगा सही तरह। नाज़रीन ये देखे हमारा घी पक चुका है, क्योंकि ये सही तक रोटी फ्राई हो चुकी है। ये अब हम इसमें डालते हैं समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है और पकवान में ज़ाया भी नहीं होता। ये हमारे रेडी हो गए अभी। ये हमारे समोसे रेडी होके हो चुके हैं, तो आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट्स में जरूर बता रहे हैं। पकौड़ों का मटेरियल भी तैयार हो चुका है, तो आइए आप पकौड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। करीब करके डाल, करीब करके ताकि हाथ ना जल जाए। डरते डरते हाथ ऊपर उठाएंगे तो छींटा हाथ पे पड़ जाएगा और हाथ जल जाएगा। हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं जी। ये कटोरी में शुरू मैंने आटा गूंदा था, वही वाला आटा था, तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। ये ठीक हो गए हैं, तब मैं दूंगा पानी। अब
अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये रेडी हो गया। हिलाते जाएंगे, और ये कुछ शेक डालेंगे जिसमें डेट, बनाना और एप्पल शामिल होगा। एबीसी शेक रेडी। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं और अब इसके अंदर चीनी ऐड कर लेते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा ए बी डी शेक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करते हैं। चीज़ें हमारी बन चुकी है इफ्तारी के लिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर रहा है, दोस्तों तक शेयर कर रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।